दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आज सस्पेंस गहरा हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट का कल का आदेश प्रभावी नहीं होगा। अब मतलब यह है कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी और कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी 1 लाख के मुचलके पर। आज तिहार से उनकी रिहाई भी होने वाली थी। आम आदमी पार्टी बहुत खुश थी लेकिन अब तो उस पर सस्पेंस गहरा गया। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक फैसले पर रोक रहेगी। हाँ, मिठाई बनने की तैयारी भी हो चुकी थी राजीव, और तमाम कार्यकर्ता जो है वो खुश थे निश्चित तौर पर, और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके नेता उनके मंत्री उत्साहित थे, लाजमी भी है, उनके नेता बाहर आने वाले थे। लेकिन अब सस्पेंस जो है वो गहरा गया है कि आज रिहा हो पाएंगे भी कि नहीं, तो ये खुशी में कहीं ना कहीं काफूर हो चुकी है उनकी खासी। अब तमाम जो डिटेल्स हैं आपको हम दे देते हैं, आगे क्या हो सकता है, राहत जमानत मिलेगी या फिर आफत कायम रहेगी। देखिए जरा राजीव, निश्चित तौर पर मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई तरह की मुश्किलें बढ़ती अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहत कुछ इस रूप में जो है आम आदमी पार्टी कह रहे कि हमारा केस मजबूत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि वो केस को प्रभावित नहीं कर रहे हैं और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताते कि इस केस में हुआ कि 1 अप्रैल को उनको जो है वापस जो है जेल भेजा गया, उनको अंतरिम जमानत मिली थी, तब तो इलेक्शन कैंपेन के लिए उनको जमानत मिली थी, लेकिन इस बार उनको पूरी तरह से नियमित जमानत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाई है। आज इस पर सुनवाई आपको बता दें कि होगी और उसके बाद इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट का जो कंप्लीट ऑर्डर है वो क्या है। दरअसल अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को उनको फिर से जेल जाना पड़ा। हालांकि कोशिश उन्होंने बहुत की, याचिकाएं लगाई गई थी, खारिज हो गई थी, दलील भी बहुत दी गई, लेकिन टिकी नहीं वो दलील। अब केस मजबूत है, ईडी भी अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। अब उधर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कोर्ट में भी इस वक्त हलचल क्या है ये जानना जरूरी है। इस वक्त अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे संजय शर्मा हमारे सहयोगी, लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए। संजय, लगातार आप चीजों को बदलते बिगड़ते देख रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी वाले खुशी मना रहे हैं, कभी लड्डू का ऑर्डर दिया जा रहा है, और कभी खुशी में काफूर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक ग्रहण लग रहा है। तो अभी इस वक्त क्या स्टेटस, कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ आप दर्शकों को अपडेट करें। अभी फिलहाल मैं राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा हूँ, लेकिन यहाँ अभी स्थिति दोनों कोर्ट में जैसी आम आदमी पार्टी की स्थिति है वैसी स्थिति इधर भी है, शिथिल और शांत। अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही रिकॉर्ड निचले अदालत के रिकॉर्ड यहाँ आ जाएंगे उसके बाद सुनवाई शुरू होगी, और सुनवाई शुरू होने के साथ ही मुझे लग रहा है कि आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा होगा आम आदमी पार्टी के लिए भी और ईडी के लिए भी, क्योंकि दोनों की ही साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। तो अब ये देखना होगा कि ईडी यहाँ पर क्या ऐसी दलीलें देती है और अदालत को कैसे अपनी दलीलों से प्रभावित कर पाती है, या फिर अरविंद केजरीवाल की दलीलें यहाँ भी काम कर जाती हैं, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। तो ऐसे में हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बेंच के फिर से असेंबल होने का, और बेंच फिर से असेंबल होगी मतलब बेंच के सामने मामला सुनवाई के लिए कब आता है, और उसके बाद फिर आगे सुनवाई जैसे होगी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। बिल्कुल संजय, हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई, तो उस समय चुनौती देते समय क्या दलीलें रखी गई एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से? उसमें दलीलें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से यही कहा गया कि ये आदेश अपने आप में अधूरा है, क्योंकि इस आदेश सुनाने से पहले ईडी को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। निचली अदालत काफी हड़बड़ी में सुनवाई की है, और जब हमने लिखित दलीलें देने की गुजारिश की तो हमसे लिखित दलीलें भी नहीं ली गई। आखिरी बार हमने जब उनसे कहा कि इस आदेश के परिपालन पर 48 घंटे की रोक लगा दी जाए, तब तक हम ऊंची अदालत में हाईकोर्ट में इसे चैलेंज करना चाहते हैं, वो मांग भी ठुकरा दी गई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के दस्तावेज भी तलब किए हैं, रिकॉर्ड तलब करने के साथ साथ ऑर्डर की कॉपी भी मंगाई है। अब उसमें अदालत देखेगी कि ऑर्डर की कॉपी में कहीं कोई ऐसी चूक तो नहीं है, या कहीं कोई ऐसी एकांगता तो नहीं है उसमें, सारी चीजों का परिपालन सही से किया गया नहीं, उन तमाम चीजों का परीक्षण अब हाईकोर्ट करेगा। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। अब पंकज जैन का रुख करेंगे, दिल्ली सीएम आवास से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या हलचल है इस वक्त, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है इस पूरे मामले पर, लेकिन सवाल वही है कि जब अदालत से राहत मिलती है तो धन्यवाद किया जाता है और कहा जाता है कि न्यायपालिका अभी जिंदा है और बहुत मजबूत है, लेकिन अगर कुछ ऑर्डर स्टे या इंतजार करने को कहा जाता है तो फिर सरकार को घेरा जाता है न्यायपालिका के बहाने, ईडी भी लपेटे में, सब लोग लपेटे में आते हैं। तो इस वक्त क्या हलचल, क्या स्टेटमेंट्स?
बिल्कुल देखिए, दिल्ली की राजनीति में रोजाना नए चैप्टर जुड़ रहे हैं। आज सुबह जब घर से निकले थे तो मौसम बहुत सुहावना था, काले बादल थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मौसम ने करवट ली, उसी तरह पूरे मामले ने भी करवट ले ली है। अब उमस भरी गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं और सौरभ भारद्वाज सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के लिए कानून का कोई मतलब नहीं है, जब ऑर्डर आया ही नहीं तो ईडी वाले कोर्ट में किस ऑर्डर को चुनौती देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अब ईडी पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है और ये पूछ रही है कि जब ऑर्डर पूरी तरह से नहीं आया तो चुनौती किस आधार पर दी गई है। लेकिन क्या इस पूरे मामले में आगे रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी, इसे लेकर भी तमाम पार्टी के नेता इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के भीतर चर्चा कर रहे हैं। लीगल टीम जो है उनकी भी अब काफी ज्यादा चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अगर ये कहा गया है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले की जब तक सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक स्टे रहेगा, तो ऐसी स्थिति में अब सारा जो बोझ है वो लीगल टीम के कंधों पर होगा और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से राजनीतिक ट्विस्ट भी देती है। बिल्कुल पंकज, क्या आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स के आज धरने इत्यादि की प्लानिंग थी, क्या उस पर भी अब असर पड़ा है इस फैसले का? देखिए, ऐसा लगता है अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि राजघाट नहीं उन्हें जाने दिया जा रहा है, जो कि जानकारी दी गई थी आतिशी की तरफ से सोशल मीडिया पर कि 11 बजे उन्हें राजघाट जाना था। आज उनके अनशन की शुरुआत 12 बजे जंगपुरा के भोगल से होनी थी, लेकिन इस वक्त 11:41 हो रहा है, राजघाट की तरफ अभी जो नेता है वो रवाना नहीं हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में भी देरी हो सकती है। तो चलिए, आज तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस है और जिस तरह से आपको जानकारी पहुंचा रहे संजय भी हमारे सहयोगी लगातार अदालत की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। आज गमा गमे का दिन है। इधर दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर क्या हलचल है, ये पंकज जैन हमारे सहयोगी लगातार आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। पंकज, भीतर मुख्यमंत्री आवास के अंदर कौन कौन से नेता मौजूद हैं इस वक्त? क्या संजय सिंह भी हैं, आतिशी भी हैं, और जो डिटेल्स अभी सामने आ रहे हैं वो जरा बता दीजिए और अगर संभव हो तो थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें ही दिखाने जा रहे थे, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया 10 बजे के बाद यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुँचने शुरू हो चुके थे। इनमें दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, इमरान हुसैन हैं, जैस्मिन शाह जैसा कि मैंने आपको बताया, संजय सिंह भी भीतर पहुंचे हुए हैं। ये सभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के भीतर मौजूद हैं। यहाँ पर समर्थकों की ऐसी कोई भीड़ अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से ही राजघाट रवाना होना था इन तमाम मंत्रियों और बड़े नेताओं को, और वहां पर विधायक जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होता ठीक है। पंकज, नजर बनाए रखें आप, चिंतन मंथन चल रहा है, लीगल टीम के साथ चर्चा चल रही है। अरविंद केजरीवाल को अब हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि केजरीवाल को कल जब बेल मिली थी तो उसके बाद से दोनों ही पार्टियों का पक्ष क्या था वो भी अब आपको सुनाते हैं। बीजेपी दरअसल कह रही है कि आप ना भूलें कि ये सिर्फ एक जमानत है। अब आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो न्याय की जीत हुई है। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, कल जब बेल का ऑर्डर आया अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो उसके बाद हमने देखा कैसे सेलिब्रेशंस जो है हर जगह, वो उनके घर पर पटाखे, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न। क्या लगता है आपको, अब तो सत्यमेव जयते का नारा लेके आप लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी जा रही है? देखिए, जिसको ये पता है कि हमें लंबे समय तक की सजा मिलनी है तो उसको तो बेल भी जश्न ही लगता है कि चलो थोड़े दिन तो छूट गए, थोड़े दिन और राजमहल में रह लेंगे। बेल गुनाह से बरी होना नहीं होता है। बेल का मतलब कि तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, केस में फैसला जब आएगा उसके बीच में बेल एक अस्थायी प्रक्रिया है, कभी बेल टूट जाती है, कभी बेल पे आदमी चला जाता है। तो क्या आप वापस फिर से जेल जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है ऐसा? नहीं, 100% उनको सजा मिलनी तय है। बेल का मतलब ये थोड़ी है कि आपका गुनाह खत्म हो गया। एक चीज और जो कही जा रही है कि ये जो साजिशन के तौर फंसाया गया, और भी नेता आम आदमी पार्टी के अंदर जो उनके जो है वो जेल के अंदर है और इस पूरे केस को बंद कर देना चाहिए, ऐसा आम आदमी पार्टी के? ये तो मूर्खता की हद हो गई ना। बेल तो एक अपराधी का भी अपना एक अधिकार है, वो अपना कुछ बातें कहता है, मैं जेल देश छोड़ के भागूंगा नहीं, मैं सहयोग करूंगा, तो ऐसे में बेल मिलता है। ये सब पहली बार मैं देख रहा हूँ मूर्खों की जमात को जो बेल को बरी होना मानते हैं।